కార్యకర్తలందరికి నాయకులకు దయచేసి ఒక 15 నిమిషాల్లో ప్రెస్ మీట్ స్టార్ట్ అవుతది అంతవరకు మంత్రివర్యులు గాని ఎంపి అక్కగారు గాని కలిసి మిగితోళ్ళు కలిసిన వాళ్ళు కలిసినట్టు కిందికి దిగితే ప్రెస్ మీట్ మొదలైతది దయచేసి క్రమశిక్షణ గల కార్యకర్తల లెక్క సహకరించగలరని కోరుతున్నాను ఒక 15 మినిట్స్ లో మీరు కలిసి కలిసినట్టు నేర్పించడం అన్నది నిజంగా కూడా ఒక మంచి పరిణామం ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఉన్నటువంటి బిజీ లైఫ్ స్టైల్లో తప్పకుండా మనందరం కూడా కొంత మన మీద శ్రద్ధ పెట్టి ఆరోగ్యం మీద శ్రద్ధ పెట్టి రాబోయేటటువంటి వ్యాధులన్నింటినీ కూడా నివారించుకోవడానికి పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆరోగ్యంతో ఉండడానికి యోగా అనేది ఒక మంచి సాధనం మరి యోగాను వారు ప్రపంచమంతా నేర్పుతూ వచ్చారు మన అదృష్టం నిజామాబాద్కి వారు రావడం ఇక్కడ 3 రోజులు ఉండడం అన్నది నిజంగా కూడా చాలా చాలా సంతోషకరమైనటువంటి పరిణామం అబ్బం హరిద్వార్ గైతే హమ్మోర్ జీవన్ రెడ్డి సార్ ఎమ్మెల్యే గారు జాకే బాబాజీసే రిక్వెస్ట్ కియా తా కి అభి ఆప్కా కభీ తెలంగాణ ఆనా హోగా తో జరూర్ నిజామాబాద్ కే బారే మే సోచియే ఔర్ ఉన్హోనే బహుత్ హీ బడా దిల్ కర్కే నిజామాబాద్ కే బారే మే సోచా హై ఔర్ నిజామాబాద్ మే 3 దిన్ రహనే కా భీ ఉన్హోనే ఫైసలా కియా హై आपके 3 दिन यहाँ रहने से बाबा जी हमारे निज़ामाबाद के पूरे लोगों को तमाम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और उनके जहन में अगर एक अच्छा लाइफस्टाइल कैसे स्पेंड करना है उनको पता भी चलेगा तो आगे चल के उनको बहुत बहुत लाभान्वित ये आपका ट्रिप होगा तो हम बहुत बहुत आपके आभारी है कि आप निज़ामाबाद में आए और 3 दिन यहाँ पर आपने रहने का डिसीशन लिया हमारा निज़ामाबाद तो पावन हो गया ऐसा मैं तो कह सकती हूँ और इसके साथ साथ हमारे मिनिस्टर साहब भी है इरिगेशन मिनिस्टर साहब कल से यहाँ पे है डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स का इनॉग्रेशन उन्होंने किया है आपसे मिलने के लिए खासकर रुके हैं तो अच्छा लगा आपसे मिले और बाकी जो भी है आप यहाँ पे हैं आपके हर काम में हमारा सपोर्ट भी रहेगा और साथ में पतंजलि ग्रुप आपको मालूम है इज़ अ वेरी बिग ग्रुप एंड वी हैड ऑल्सो रिक्वेस्टेड देम कि व्हेनेवर पॉसिबल हाउएवर पॉसिबल निज़ामाबाद के किसानों के हित में जो भी हो सके आप कीजिए वो सोच रहे हैं उसके बारे में तो जब भी होगा कैसे भी डिसीशन होगा पतंजलि ग्रुप के तरफ से आगे चल के काम होगा साथ साथ स्वामी जी हमारे साथ बैठे हैं मना पशु रहित लगी हमारे हल्दी के फार्मर्स जो भी है हल्दी के किसान जो भी है उनको तो हाथी पे बैठने जैसा उतना स्ट्रेंथ आ गया सर क्योंकि हल्दी बोर्ड बनाने का नेशनल हल्दी बोर्ड बनाने का 30 साल से पेंडिंग डिमांड है और आपने भी प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है आपने भी रिक्वेस्ट किया है कि हल्दी बोर्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए हल्दी का जो इंपोर्ट होता है वो बंद होना चाहिए किसान को हल्दी के किसान को अच्छे से अच्छे दाम मिलना चाहिए सो ये सारे इश्यूज़ पे आपने भी प्रधानमंत्री जी को आपने लेटर लिखा आपके उस विषय में भी हम बहुत आभारी हैं और निज़ामाबाद के किसान जितने भी हल्दी के किसान हैं बहुत आपके आभारी रहेंगे सर और हमारे जब भी आंदोलन आगे बढ़ेगा हम हमेशा लड़ते रहेंगे टर्मरिक बोर्ड के लिए उसमें आपका आगे जाके भी सपोर्ट बना रहे बस यही हमारी इच्छा है सर थैंक यू जय तेलंगाना अदने बहन कविता जी हरीश जी नेशनल टर्मरिक बोर्ड के लिए कविता जी ने बड़ा इनिशिएटिव लिया है और खुद प्रधानमंत्री जी ने भी कविता जी को बोला कि आपको टर्मरिक के बारे में कुछ बड़ा करना है तो आप बाबा जी का सपोर्ट लीजिए तो हमारा दो सपोर्ट है एक तो मैंने कविता जी और हरीश जी को बोला है अभी 2019 के चुनाव से पहले ये बोर्ड को पास करवा लो पॉलिटिकल पार्टियों से कोई काम कराना हो तो इलेक्शन से पहले कराना बहुत ईजी होता है तो मोदी जी से नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनवाना है तो एक बड़ा आंदोलन करो और वो खाली तेलंगाना में नहीं दिल्ली में आंदोलन के लिए आएंगे तो मैं उस आंदोलन में खुद भाग लूंगा एक तो मेरा ये सपोर्ट है कि आप क्योंकि किसान के लिए काम करते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी वो किसान के लिए उसका टॉप प्रायोरिटी है और मैं कृषक का पुत्र हूँ मैं एक सन्यासी हूँ और मैं देश का सिटीजन हूँ और सन्यासी तो वर्ल्ड सिटीजन होता है हम तो किसी भी देश में जा सकते हैं
लेकिन मैं ये सब होने से पहले एक किसान का बेटा हूँ, एक फार्मर का सन हूँ, और कृषक पुत्र होने के नाते जो भी किसान के लिए काम किया जाएगा उसमें स्वामी रामदेव पहली पंक्ति में खड़ा मिलेगा। तो नेशनल टर्मेरिक बोर्ड के लिए ये जब भी दिल्ली का एक बड़ा आंदोलन रखे, और जब तक नेशनल टर्मेरिक बोर्ड ना बन जाए वो आंदोलन वहां चलता रहे, उसमें मैं भी आपके साथ बैठूंगा। ऐसा आप लोग पूरा मजबूत मन से आना, जैसे आपने इधर आंदोलन कर करके तेलंगाना बना दिया और मैं भी जय तेलंगाना बोलता था तो हमारे कुछ भाइयों को खराब भी लगा तो मेरे भी कुछ पुतले फूके तुम्हारे साथ साथ तो ये एक पॉलिटिकल जस्टिस का बात था तेलंगाना। ऐसे ही एक फार्मर की जस्टिस के लिए नेशनल टर्मरिक बोर्ड जरूरी है, और हल्दी का इंपोर्ट तो 100% बंद होना चाहिए, और एक्सपोर्ट के लिए सरकार को एक्स्ट्रा सपोर्ट करना चाहिए। ये दो काम होना चाहिए। तीसरा, हल्दी के लिए प्रोसेसिंग के लिए हमको हमारे मुख्यमंत्री जी, हरीश जी, कविता जी जो भी सपोर्ट करेंगे तो हम इधर हल्दी, स्वीट कॉर्न, स्वीट लेमन और जो है इधर मेज के लिए और चना के लिए, काला चना भी इधर होता है तो उसका दाल बेसन जो भी होगा, और इधर एलोवेरा भी काफ़ी लोगों ने बोया हुआ, पतंजलि का एक यूनिट जहां भी कविता जी हरीश जी बोलेंगे उधर लगा देंगे, जिससे कि हम उसको चलाने में सुविधा। लेकिन इसके लिए हमको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप सब मीडिया के लोगों की जानकारी के लिए और देश के लिए भी एक बात कहता हूँ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग का यूनिट हमने बनाया है। आज करीब करीब देश का 15% फूड प्रोसेसिंग पतंजलि करता है, टाटा बिरला डालमिया अडानी फडानी कोई नहीं। क्यों? क्योंकि लो प्रॉफिट वाला काम है और हाई ट्रस्ट वाला काम है। लोगों का 100% ट्रस्ट होगा तो ही कोई फूड प्रोडक्ट खरीदेगा। पता है चलो क्रीम साबुन पाउडर लगाया ऊपर से पानी से धुल जाएगा, जिसको भी व्यक्ति इंटेक करता है कोई भी चीज को तो उस पर बहुत हाई लेवल का ट्रस्ट चाहिए, तो वो ट्रस्ट पतंजलि में लोगों को दिखता है। लेकिन फूड प्रोसेसिंग के तीन बड़े चैलेंज होते हैं। ये बहुत लो प्रॉफिट वाला बिजनेस है, दूसरा हाई रिस्क है, एजिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, 2-3 मंथ से लेकर के 6 मंथ मैक्सिमम जो है फूड प्रोडक्ट्स का उसका बिफोर बेस्ट बिफोर 6 मंथ और 4 मंथ एजिंग प्रॉब्लम, उसका एक्सपायरी डेट बहुत करीब होता है। इस वजह से यदि इसको बहुत ज्यादा ध्यान ना दिया जाए तो आपको जितना प्रॉफिट हुआ उससे ज्यादा लॉस हो जाएगा। हाई रिस्क है, लो प्रॉफिट है, और तीसरा इसके लिए बैकएंड से लेकर के प्रोसेसिंग से लेकर के उसका पूरा नॉलेज वो नहीं होगा तो आप उसको सर्वाइव नहीं कर सकते। आज हमारे पास करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों की टीम है, प्रोडक्शन से लेकर के सेल्स और मार्केटिंग तक, तो अलग है। हमारे ओन पेमेंट पे करीब 1 लाख लोग काम करते हैं, ये हमारी टीम की स्ट्रेंथ है। हम लोग लो प्रॉफिट पे काम करते हैं, हमको हाई प्रॉफिट नहीं चाहिए, और हम लोग रिस्क के ऊपर काम करते हैं क्योंकि हमारी उसमें एक्सपर्टीज हो गई है, इसलिए हम इस काम को सर्वाइव कर पाए। और प्रॉफिटेबल बिजनेस के तौर पर हमने उसको स्थापित किया। लगभग 12,000 करोड़ रुपए का पतंजलि का टर्नओवर से हम पहुंचे हैं। अभी नेक्स्ट ईयर का टारगेट हमारा बहुत बड़ा है। अभी 11,000 ब्रांड्स का इंडिया में ब्रांड सर्वे रिसर्च हुआ, और उस ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट में
11,000 ब्रांड्स में पतंजलि देश का मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड डिक्लेयर हुआ, मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ इंडिया इज पतंजलि। ट्रस्ट में तो नंबर वन है हम, टर्नओवर में खाली एक विदेशी कंपनी हमसे आगे, उसका नाम यूनिलीवर है। मेरा विश्वास है अगले साल तक हम यूनिलीवर से आगे चले जाएंगे, यह हमारा काम, हमारा सपना। एक भी रुपया देश का विदेश में ना जाए। विदेशी कंपनियां तीन तरह से पैसा बाहर लेके जाती हैं, एक रॉयल्टी के नाम पर, दूसरा रॉ मेटेरियल के नाम पर, कुछ विदेशों से फ्लेवर मंगा लेती हैं, कुछ फ्रेग्रेंस मंगा लेती हैं और उनको हाई कॉस्ट पर बाहर पेमेंट भेज देती है, माने हाई कॉस्ट पर इंपोर्ट करके और रॉयल्टी के नाम पर, और फिर इधर से जो प्रॉफिट कमाते उसको, 50 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा। हम इस कब्जे को तोड़ना चाहते हैं। पतंजलि 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए। हम ट्रस्ट होल्ड करते, उसके शेयर होल्ड करते थे पतंजलि आयुर्वेद के, अभी हमने उसको नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ट्रस्ट कंपनी बना दिया है, क्योंकि पहले हमारा कर्ज का पैसा था, बैंक से लिया था हमने, वो लोन हमने अभी चुका दिया। अभी ऐसे तो आगे आगे प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे, लेकिन अभी पतंजलि को नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ट्रस्ट कंपनी हमने बना दिया। नो डिविडेंड, नो प्रॉफिट शेयरिंग, नो सैलरी। पूज्य आचार्य भागशन जी, मैं कोई अब उससे सैलरी नहीं लेते, कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होता, नो पर्सनल इंटरेस्ट। तो पतंजलि ये देश का कंपनी है, क्योंकि पतंजलि का 100% ओनरशिप जो है वो ट्रस्ट के पास है, और 100% चैरिटी के काम के लिए, एजुकेशन, हेल्थ, रिसर्च, गाय सेवा और किसान का, ये हमारा फोकस, चार बड़ा काम है। और हम 2025 तक वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड पतंजलि को बनाने वाले हैं। अभी हम डेयरी में भी आने वाले हैं इस साल, काओ मिल्क, काओ बटर, काओ दही, कर्ड, ये सब फ्लेवर्ड मिल्क भी मिलेगा, और टेट्रा पैक से लेकर के और लिक्विड मिल्क भी मिलेगा। तो अभी इस साल हम टेक्सटाइल में भी आने वाले हैं, इधर जो है कॉटन भी बहुत पैदा करते हैं, हाईएस्ट, तो उसको भी हम लोग आगे यूज करेंगे, इंडस्ट्री का भी व्यवहार ठीक है। पॉलिटिकल क्राइसिस को भी, कि अच्छा पॉलिटिकल एक विजन के साथ लोग काम करें। हम बस एक ही बात सोचते हैं, मैं अपने कंट्री के लिए क्या बेटर कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, बस ये एक मकसद है, बाकी और कोई मकसद नहीं है। हमको कुछ नहीं होना, ना MLA, MP, ना CM, ना PM होना, हमको देश का अच्छा होना, हमको कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ मेरी कंट्री के लिए, बस इस सपने के साथ काम करते हैं। तो इस सपने के साथ हम काम करेंगे, और मैंने कल भी बोला था कि 2050 तक विजन 2050 हमारा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर, वर्ल्ड स्पिरिचुअल सुपर पावर, सोशल नॉलेज सुपर पावर भारत बने, विश्व का महाशक्ति बने भारत। उसके लिए हमने तय किया हुआ है, और उसमें अपने हिस्से का काम भी हमने लिया हुआ है, मुझे क्या कंट्रीब्यूट करना है। तो उसमें 1,00,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का चैरिटी करना है मुझे देश के लिए, हेल्थ, एजुकेशन और रिसर्च, और गांव और फार्मर के लिए, और 1,00,000 से बच्चों का, 1,00,000 से ज़्यादा बच्चों का वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाना है, और पूरे देश में स्कूलों का जिसमें स्पिरिचुअल एजुकेशन के साथ मॉडर्न एजुकेशन दिया जाए उसका एक चैन खोलना है, और सबसे बड़ा देश का हेल्थ अच्छा करना है, फिजिकल हेल्थ भी, मेंटल हेल्थ भी, क्योंकि रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग एक्ट, इमोशंस, रॉन्ग एक्शन, उससे पूरे देश में कुछ ना कुछ घोटाला चलता रहता है। हम चाहते हैं कि ये देश हमारा बहुत आगे आए, और उसके लिए जो भी अच्छा काम कर रहे हैं हम उसका साथ लेंगे और साथ देंगे, चाहे हमारा इधर पॉलिटिकल पार्टीज में TRS है, ये आंदोलन से पैदा हुई पार्टी है, आंदोलन से दो पार्टी पैदा हुआ, एक तो हमारा दिल्ली में,
लेकिन उसका थोड़ा मामला थोड़ा हिल गया। इधर जो तेलंगाना में टीआरएस पैदा हुआ है, एक पवित्रता के साथ ईमानदारी, और तेलंगाना को मुझे ऊंचा लेकर के जाना है। और जो पावर है उसको डिसेंट्रलाइज करना, फार्मर्स को ज्यादा पावर देना है। मैंने बहुत मुख्यमंत्री देखे हैं, लेकिन हमारा तेलंगाना का मुख्यमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। मैं देखो, आपको पता है पॉलिटिकली मुझसे बहुत कनेक्ट है लोग। चंद्रबाबू नायडू जी भी हमारा शिष्य है, वो उसको भी हम बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन आप यदि यहाँ हम इधर आए हैं तो ऐसा नहीं कि मैं इधर कविता जी और हरीश जी बैठे इसलिए अच्छा बोल रहा हूँ। मतलब अच्छा कर रहे हैं तेलंगाना के लिए, और अपने लिए उनको कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए जो वो कर रहे हैं हमारा उनको आशीर्वाद है। और इसमें तेलंगाना के अच्छाई के लिए, किसानों के लिए, यहाँ के हेल्थ के लिए, एजुकेशन के फील्ड में भी हम लोग चाहते हैं कि जो है मॉरल वैल्यूज पर, स्पिरिचुअल वैल्यूज पर बेस्ड एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए। तो इधर यदि अपने स्कूलों में और एजुकेशन सिस्टम में योग को भी प्रमोट करेंगे तो उसमें हम लोग उनको फ्री सेवा देंगे कि जो अच्छा करना है, क्योंकि हमको आगे का 25-50 साल का सोचना है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का विजन होना चाहिए। तो इसमें हम लोग यहाँ अच्छा हो रहा है और अच्छा हो उसमें हम भी मिलकर के कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पाए तो हम अच्छे के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। मेरा पूरा आशीर्वाद है, और हरीश जी और कविता जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए मेरा बहुत बहुत प्रेम है। हरीश जी अभी ऐसे भी बड़े स्मार्ट हैं, और कविता जी भी, ये दोनों का मैं बोल रहा था, हमारे बड़े साहब ने जो इनको संस्कार दिए, पॉलिटिकल पार्टियों में ईगो और इग्नोरेंस बढ़ने का बहुत पॉसिबिलिटी होता है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने इन सबको ऐसे संस्कार दिए कि सब थोड़ा ज़मीन पर पैर रख के चलते हैं और बहुत विनम्रता से बात करते हैं। और एक कविता तो इतने प्रेम से बात करती है कि दूसरा आदमी इसकी बात को मना नहीं कर सकता। तो इन्होंने हमारे पूज्य आचार्य बाक्षण जी से, हमसे इतना श्रद्धा भक्ति और प्रेम से बात किया कि आपको कुछ करना ही है। और अभी हमको लगता है इन दोनों ने मिलके हमको प्रेम जाल में फंसा लिया है और हमसे ये कुछ अच्छा करवाना चाहते हैं यहाँ के लिए कि, और हमने बोला कि आप हमको यदि फैसिलिटी देंगे, क्योंकि यदि हमारा कोस्ट लो नहीं आएगा तो हम इकोनॉमिकली सर्वाइव नहीं कर सकते यार। तो लो कोस्ट तभी आ सकता है जब आप हमको लैंड में, इलेक्ट्रिसिटी में, टैक्सेशन में कुछ हमको उसमें छूट देंगे। लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को छूट देते हैं, टाटा बिरला अडानी डालमिया इनको छूट देते, तो हम इनको उनको छूट दे के उनको बड़ा बना दिया। हम तो छूट दोगे तो किसानों को बड़ा बनाएंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो हमारे हरीश जी ने बोला है, कविता जी ने बोला है कि हम इसके लिए जो भी जो है छूट हो सकता है किसानों की भलाई के लिए हम देंगे, तो ये बताएंगे क्या छूट देंगे ना। तो आप तेलुगु में बोलो, कोई दिक्कत नहीं। गौरव मुख्यमंत्री केसीआर गार की राष्ट्र प्रभुत्वानिकि ఆశీర్వాదం ఇచ్చినందుకు చేస్తా ఉన్నాను. బాబా రామ్దేవ్ గారు మాట్లాడుతూ పతాంజలి ఈరోజు చాలా క్రెడిబిలిటీ ఉన్నటువంటి సంస్థ అని చెప్పారు. ఈరోజు ఆ క్రెడిబిలిటీ పతాంజలి మీద కాదు, బాబా రామ్దేవ్ కే ఊపర్ జో విశ్వాస్ హే ఓ పతాంజలి కే ఊపర్ రూప్ మే హమ్ దేఖ్ రహే, ఓ ఆప్కే ఊపర్ విశ్వాస్ హే పబ్లిక్ మే జనతా. హమారా ముఖ్యమంత్రి జీ ఏక్ కిసాన్ హే సర్, वो जब मिनिस्टर थे, सेंट्रल में मिनिस्टर थे, जब आंदोलन चलाते, आज मुख्यमंत्री भी है, लेकिन कभी भी खेती करते, अभी भी खेती करते, बहुत अच्छी बात, आज भी किसान है। वो किसान का जो प्रॉब्लम्स है अच्छी तरीके से हमारा सीएम साहब समझते हैं सर। इस वास्ते आज हमारा बजट में मोर देन 40% वी आर स्पेंडिंग टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। पहला मुख्यमंत्री है सर हमारा सीएम साहब, इंडिया फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, तो इतना बजट उसके ऊपर मोर एवरीथिंग आवर वर्क। सी इट इज नॉट जस्ट स्पेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर सर,
we spend money on irrigation, we spend money on farmers supporting and incentivization scheme. Abhi pehli baar kisanon ko har acre ko 8,000 rupees har saal dene wale hain. Kya baat? We have taken up this program, sir. We are spending almost more than 10,000 crores per year to support the farmer. So jo ki jitne bhi kisan hai, maybe farmer assigned lands, government lands, patta lands, हर खेती पे हर एकड़ में 8,000 रुपए हर साल में किसानों को हम सपोर्ट देने जा रहे हैं. तो हम किसानों के लिए मार्केटिंग व्यवस्था अच्छी करते जा रहे हैं, गोडाउन्स बनाए, किसानों को 24 घंटा फ्री पावर देते हैं तेलंगाना में. दिस इज द ओनली स्टेट इन द कंट्री विच गिव्स 24 आवर्स फ्री पावर टू द फार्मर. सो लाइक जितना कर सके हम फूड प्रोसेसिंग और देखना अभी हम आगे इस वास्ते आपका हम आशीर्वाद चाहते हैं. आपका आशीर्वाद से जरूर हम फूड प्रोसेसिंग भी करेंगे सर. आप फूड प्रोसेसिंग में भी नंबर वन हो जाओ, ऐसा पूरा प्लान बनाओ, उसमें मैं पूरा सपोर्ट करूं. विद योर ब्लेसिंग्स डेफिनेटली वी विल डू सर. कंपनी बनाए फूड प्रोसेसिंग में, ये तेलंगाना में पूरे जिलों में के कौन सा जिले में कौन सा यूनिट आना चाहिए, उसके लिए क्या सपोर्ट देना चाहिए. सो द कैबिनेट सब कमिटी इज अबाउट टू फाइनलाइज द फूड प्लान फॉर द फूड प्रोसेसिंग सर. इसमें हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी आश्वासन भी दिए हैं. अभी कविता जी ने तो बहुत दिन से एक निज़ामाबाद के किसानों के लिए, हल्दी के किसानों के लिए 4 साल से पार्लियामेंट में लड़ रही, इधर आंदोलन करते आ रहे, आपके पास भी हरिद्वार आए, उनका पूरा दिल है कि निज़ामाबाद में ये हल्दी के किसानों के लिए कुछ ना कुछ करें. सो आवर सीएम एंड वी आर ऑल वर्क फॉर द फार्मर सर. विथ योर सपोर्ट सर, डेफिनेटली वी विल वर्क विथ पतंजलि ग्रुप. पावर सब्सिडी, इनपुट सब्सिडी एंड लैंड, एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड. सर, वी आर स्पेंडिंग ह्यूज मनी ऑन फार्मर सर, बट एंड ऑफ द डे जो मार्केटिंग का व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए. एंड ऑफ द डे ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट में ही किसानों का भलाई है सर. सो डेफिनेटली हम आपसे काम करेंगे सर. अभी फिलहाल आप जो बताएं, मेज के बारे में बताएं, लाइन स्वीट लाइन के लिए बोले, मेज के लिए बताएं, हल्दी के लिए बताएं, ये पूरे के लिए चना के लिए बताएं, इसके जो जो कुछ भी करना है सर, विल कम विद अ प्रपोजल फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट. हम आपसे फिर आके मिलेंगे और पूरी प्रपोजल लेके आके जितना हम सपोर्ट करना है. वी सी दैट द सपोर्ट, इट इज़ नॉट द सपोर्ट टू द इंडस्ट्री, वी सी इट एज द सपोर्ट टू द फार्मर. वी सी दैट किसानों के लिए अच्छा दाम मिलना चाहिए. आज के तारीख में किसान बहुत रात दिन मेहनत करके वो जो प्रोडक्ट निकलते हैं मार्केट में आने के बाद उनका दाम नहीं आ रहा. 15 दिन के अंदर द मिडिल मैन इज गेटिंग मोर मनी बट नॉट द फार्मर. जब फार्मर को मिलेगा देन फार्मर शुड डायरेक्टली ये जो प्रोसेसिंग में अगर से आगे किसानों के लिए फ़ायदा होते हैं सर. आप भी किसान के बेटे हैं, हमारा सीएम साहब भी किसान के बेटे हैं, वो खुद भी किसान हैं, सब हम सब मिलके ये राज्य में तेलंगाना में किसानों के लिए और अच्छा भलाई करेंगे. आपके आशीर्वाद से ज़रूर हम तेलंगाना को देश में नंबर वन बनाएंगे. थर्ड फ्रंट हमारा फ्रंट बनेगा, देखो धीरे धीरे. मेरा पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत क्रिटिकल है तो इसलिए अभी उसके बारे में कुछ भी कहना पखेड़ा होगा, इसलिए अभी कुछ नहीं बोलते. जो भी अच्छा करेगा हम चाहते वो आगे बढ़ेगा, बस इतना ही बोलते हैं. जो अच्छा करेगा वो आगे बढ़ेगा और हम हर एक अच्छे काम के साथ हैं, हर एक अच्छे काम के साथ. तो इसलिए अभी जो बहुत बड़ा बात बोला हरीश जी ने कि यहाँ कोई पतंजलि को लाना है, पतंजलि को सपोर्ट करना, देखो हम तो किसानों को सपोर्ट करने वाला कोई भी नीति होगा वो देश के लिए जरूरी है. और ये मुझे जो हमारे मुख्यमंत्री जी केसीआर जी जो कर रहे हैं किसान के लिए, मैंने बोला ऐसा पूरे देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी बात है. अब इसको इतना भी मेरे बोलने में मुझे लगता है कि बहुत बखेड़ा होता है कि एक अरे कोई आदमी कर रहा है तो उसको बोलने में क्या दिक्कत है. तो बहुत से लोग किसानों की बात करते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, किसानों को अन्नदाता बताते हैं, लेकिन खुद किसान का दर्द उन्होंने जिया नहीं है. को केसीआर जी ने जिया है और वो खेत में गांव में किसान के पास फोटो सेशन के लिए नहीं जाते, उसके उसकी तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए जाते, तस्वीर खिंचाने के लिए नहीं जाते.
ऐसी मुख्यमंत्री को हमारा बहुत प्रेम है, क्योंकि मैंने बोला ये किसान तो इस देश का आत्मा है, गांव इस देश का आत्मा है, और उस वो आत्मा रहेगा तो देश रहेगा। बोला ना इनको हमने बोला ये अपना स्टेटस दे देंगे हमारा काम शुरू लैंड और जो भी जो उसका, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ को हम लोग, मैं एक स्पिरिचुअल आदमी हूँ, लेकिन काम जो प्रोफेशनल काम होता है तो उसका प्रोसेस 100% ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, नहीं तो कल को ये हमारे इधर कुछ भी करने के बाद ये बोलेंगे तो फिर इसमें पॉलिटिकल भी दिक्कत आएगा। इसलिए पहले ये 100% सपोर्ट करेगा तो हम 100% करेगा, इसलिए बोला हम भी बोल रहे हैं మనం తెలంగాణ గవర్నమెంట్తోని ప్రత్యేకించి నిజామాబాద్ జిల్లాతోని పనిచేద్దామని చెప్పి ఒక అండర్స్టాండింగ్లోకి వచ్చినటువంటి మాట వాస్తవమే, అది కూడా వారు చెప్తా ఉన్నారు. దాని ప్రకారం లక్కంపల్లిలో కూడా మనం ఒక 200 ఎకరాలు ల్యాండ్ కూడా ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. కాకపోతే ఆ ల్యాండ్ లీజ్ కానీ ఆ ప్రైజింగ్ కానీ వాటి మీద అంతా కూడా ఇంకా డిస్కషన్ నడుస్తుంది. సో వెన్ ఎవర్ దట్ డిస్కషన్ ఈస్ ఫినిష్డ్ దెన్ వీ విల్ సర్టన్లీ వర్క్ టువర్డ్స్ దిస్. అల్టిమేట్లీ ఐడియా ఈస్ farmers of Nizamabad should be benefited, farmers of Telangana should be benefited. So how do we work for it is the question. But all said and done, I'm very 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 thankful that Babaji is here for these 3 days, and entire Nizamabad was there in the yoga ground today, and tomorrow also I request aap bhi aana kal, aapka bhi pet thoda ghatana hai, patrakaron ka ek alag rakhte hai rakhe kaam karwa dekho abhi thoda sikhata hu ये किसी का भी टमी बाहर नहीं आना चाहिए इससे लीवर स्प्लीन इंटेस्टाइन पैनक्रियास यूट्रस ओवरी प्रोस्टेट लंग हार्ट सब अच्छा होता है। तो एक तो ये कपाल भाती, इसके बाद वो पेट घुमाने वाला तो तुम नहीं कर पाएगा, पूरा ही घूम जाएगा। माने लग गई अंदर अंदर एक कपा ये दूसरा ये अनुलोम विलोम नॉर्मलाइज होता है, स्ट्रेस एकदम गायब हो जाता है, अंदर से खुशी आ जाता है, जैसे हमारा हरीश भाई और कविता जी खुश रहते हैं। थॉट्स नहीं आता है, ये दो और तीसरा ही भ्रामरी एकदम सेल्फ मेडिटेशन हो जाता अपने आप। कान बंद, ऐसा 3 भी कर लिया ना, और बाद में कोई ओम बोलना चाहिए, ओम तो कोई मजहबी वर्ड है नहीं, एक डिवाइन साउंड है, ये साउंड है, तो ओंकार ध्यान ऐसे कर सकते हैं। ओ का इच्छा नहीं होगा बस आप हाथ लगा दो, अभी कोऑर्डिनेशन के लिए मैंने हमारे श्रीधर राव जी जो इधर स्टेट का हमारा प्रेसिडेंट है, लैंड का और जो भी उसमें फैसिलिटीज देना है उसका तय हो जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे इस साल के इसी साल के